हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्स टेक। आज का हमारा प्रोडक्ट है स्टार डेटा स्टार्टर है। इसका हमारे दो मॉडल आते हैं, 10 एचपी से लेके 30 एचपी तक का। दूसरा मॉडल आता है जो 10 एचपी से 75 एचपी। चलिए मैं इसका थोड़ा ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा कंट्रोलर है जो स्टार डेटा स्टार्टर है। ये हमारा रिमोट स्टार्ट स्टॉप पुश बटन है, ऑन इंडिकेशन लैंप है, कंट्रोल स्विच है खाली मीटर को ऑन ऑफ करने के लिए। चलिए मैं आपको थोड़ा अंदर का भी दिखा। यह हमारा 325 एम्पीयर का कॉन्टेक्टर यूज किए हुए हम। यहाँ है मेन कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर, स्टार कॉन्टेक्टर। यह हमारा टर्मिनल कनेक्शन है जहाँ हम थ्री फेस 440 वोल्टेज इनकमिंग पावर सप्लाई देंगे। ये है आउटगोइंग टर्मिनल फॉर मोटर जहाँ हम मेन और डेल्टा का पावर सप्लाई देंगे। चलिए आपको मैं अब थोड़ा मीटर का ओवरव्यू बता देता हूँ। ये हमारा मीटर है जिसमें सारे प्रोटेक्शन आते हैं, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, सिंगल फेज प्रिवेंशन प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन। इस ये मॉडल में हमारा ये खासियत है कि इसमें आपको ओवरलोड रिले यूज नहीं करना है, क्योंकि इसमें इनबिल्ट हमने सीटीज के करंट के एम्पियर के हिसाब से ये अपने आप ट्रिप हो जाए। इसमें हमने सीटी यूज किया हुआ है जिसकी कैपेसिटी है 50 एम्पियर तक की, ठीक है। इसमें हम स्टार्ट स्टॉप पुश बटन है, यहाँ से भी हम पैनल को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। ये हमारा रिमोट स्टार्ट स्टॉप है जहाँ से हम इसको भी यहाँ से स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। ये कंट्रोलर में यहाँ वोल्टेज और एम्पियर दिखाएगा आपको। इसमें हम दो टाइप के मोड आते हैं, ऑटो मोड, मैनुअल मोड। फिलहाल अभी ये मैनुअल मोड में है। मैनुअल मोड में इसमें कोई भी सेफ्टी नहीं रहेगा, आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं इसमें। और दूसरा आता है ऑटो मोड। ऑटो मोड में क्या रहेगा, आपका कोई भी फ्लोटी है या स्विच है उस हिसाब से ऑपरेट होगा। एक बार आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, आपका फ्लोटी का इंडिकेशन के ऑन ऑफ कंडीशन के हिसाब से वो ऑन ऑफ स्टार्ट ऑफ होता रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ ऑन दबाएंगे तो पहले ये मेन कॉन्टेक्टर में पड़ेगा और साथ में स्टार में भी पड़ेगा। 7 सेकंड की डिले के बाद वो डेल्टा में ट्रांसफर हो जाता है, जैसे अभी फिलहाल ट्रांसफर हो गया है। ये हमारा स्टार डेल्टा पैनल का। इसमें हम आपको प्रोटेक्शन भी बता देता हूँ। यहाँ सेट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ हम ओवरलोड का सेटिंग डाल सकते हैं, कितने एम्पीयर तक की आपकी मोटर है उस हिसाब से हम ओवरलोड एम्पीयर सेट करेंगे। यहाँ हम ड्राई रन प्रोटेक्शन भी है एज अ ऑप्शनल, कस्टमर को रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यहाँ ड्राई रन प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। ये हमारा वोल्टेज और एम्पीयर आ गया है बस। फिलहाल थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।